गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। और मैं हिमा, और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे हैं और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और अभी मैं बना रही थी सुबह का नाश्ता, और आज मैं सुबह में बना रही हूँ खिचड़ी, जो ये खा के ही प्रांतिका स्कूल में जाएगी, और आज ही उसका स्कूल रीओपन हुआ है। तो और ये खिचड़ी ना बनाने से बच्चे भी पसंद करते हैं, और सुबह का टिफ़िन भी हो जाता है। और ये ना मैं प्रेशर में बनाने वाली हूँ, और मैं चावल में ना दाल, मूंग की दाल मिक्स करके बना रही हूँ। और ये चावल है नूनिया चावल, हम बंगाली में ना इसको नूनिया चावल कहते हैं। तो और जो खिचड़ी मैं बना रही हूँ ना, उसमें थोड़ा सा किशमिश डाल रही हूँ, और किशमिश थोड़ा सा खाने में देने से तो टेस्ट बढ़ ही जाता है, और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो इसलिए जब भी मैं खिचड़ी बनाती हूँ ना, तो थोड़ा सा बादाम और किशमिश डाल देती हूँ। तो आज मैं सिर्फ किशमिश ही डाल रही हूँ, और ये खा के ही प्रांतिका भी चली जाएगी, और मैं प्रत्यय को भी खिला दूँगी यही, और हम भी खा लेंगे। तो आज का नाश्ता मेरा यही है। और ये खिचड़ी ना प्रेशर में बनाने से तो झटपट बन जाते हैं, और ये खिचड़ी मेरे बच्चों को ना बहुत पसंद है। उनको तीन टाइम यही दे दो तो चलेगा, अगले दिन के लिए भी वो इसे ढूंढता रहता है। और मेरा खिचड़ी बन के रेडी था, और मैं थोड़ा सा अंडा फ्राई कर रही थी, और थोड़ा सा प्याज डाल के चार अंडे को मैं फ्राई कर लिया था। तो उसी के साथ खिचड़ी के साथ वो ले लेगा। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो बहुत ही काम के प्रेशर रहते हैं ना। और प्रांतिका इतनी बड़ी हो चुकी है ना, अभी भी उसको टाई लगाना नहीं आता है, और जब भी स्कूल जाते हैं तो मुझे ही टाई उसको लगाना पड़ता है, और उसका बाल भी मुझे ही बनाना पड़ता है, और ख़ुद से उसको बाल करना नहीं आता है। और स्कूल में तो रूल्स है, दो चोटी बना के जाना, तो ये मेरा और एक ड्यूटी है, उसे अच्छी तरह से बाल बना के देना। और और प्रांतिका भी निकल गई थी, और मैं प्रत्यय को भी ना टिफ़िन खिला दिया था, और उसका मूड आज थोड़ा सा ऑफ है, क्योंकि कल रात को ना उसे बहुत दांत में दर्द था। और अब दोपहर का खाना बनाने लग गई थी, और आज दोपहर को मैं बनाने वाली हूँ सजहन की सब्ज़ी, दाल और स्क्वाश आलू की एक सब्ज़ी बनाऊँगी। और सजहन में ना आज थोड़ा सा डालने वाली हूँ बड़ी, जो दाल की बना हुआ होता है। आप लोगों को पता है कि नहीं, हम बंगाली लोग ना बहुत बड़ी खाते हैं, तो बहुत टेस्ट भी लगते हैं जिसमें भी डालो, इसीलिए आज मैं उसमें डालने वाली हूँ। तो थोड़ा सा उसे पहले से फ्राई करके रखना होता है, और आज थोड़ा सा सिंपल ही खाना बनाऊँगी, क्योंकि कल ना हम
मीट खाए थे ना, इसीलिए आज थोड़ा सा सिंपली खाना ठीक है। और जो कोआस की सब्ज़ी मैं बनाऊंगी ना, उसके उसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा खसखस की पेस्ट, और मैं खसखस की एक पैकेट निकाल भी लिए थे। और हमेशा ना मैं किचन में एक कैंची रखती हूँ ताकि कोई भी पैकेट्स कटना बहुत ही आसान हो और जल्दी भी होता है ना, नहीं तो बहुत ढूंढ के बहुत परेशानी होती है, तो हमेशा के लिए मैं रख देती हूँ। तो उसको मैं पहले से पानी में भिगो के रख देती हूँ 10 मिनट के लिए, तो अच्छे से पेस्ट बन जाते हैं। और अभी मैं बड़ी को फ्राई कर रही थी। और ये स्क्वाश जो सब्ज़ी मैं बनाऊंगी ना, उसके लिए मैं ऐसे कट करके रखे हैं, उसमें थोड़ा सा आलू भी मिला दिया है और थोड़ा सा प्याज भी उसके साथ ही कट करके रख लिए हैं एक साथ, और छोटा छोटा पीस में कट करके रखे हैं। आलू भी उसी के साइज़ के हिसाब से ही काटा है, तो इसको अच्छी तरह से धो के भी रख लिया है मैंने। और यहाँ पे मेरा खसखस की पेस्ट भी बन के रेडी है, और बहुत अच्छी तरह से इसका पेस्ट हुआ है, क्योंकि मैं पहले से ही इसको भिगा के रखी थी ना, और भिगो के रखने से ना बहुत अच्छी तरह से पेस्ट बनते हैं। और ये मेरा पेस्ट बन के रेडी है, और बहुत अच्छे से पेस्ट हुआ था ये। तो इसको बनाने के लिए मैं कढ़ाई में तेल दे के तेल को गर्म होने तक रख दिया था, उसके बाद 2 सूखा हुआ लाल मिर्च डाल के उसमें कलंजी दे रही हूँ, और 1 तेजपत्ता दे के उसके बाद मैं सब्जी को डाल दिया। अभी इसको बहुत अच्छी तरह से मुझे भूनना है, और जब तक ये लाल ना हो तब तक, और जितना इसे भूनना अच्छा होगा तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और अभी मैं दे रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, उसे भी मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। और अभी जो खसखस के पेस्ट बना के रखे थे और वो भी मैं अभी डाल रही हूँ, और थोड़ा सा उसको उसमें पानी दे के उसको दे रही हूँ। और अभी मैं इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि जो खसखस का एक स्मेल रहता है ना, कच्चा स्मेल, वो भी चला जाएगा। और थोड़ा सा जब हम खसखस मिलाते हैं ना, तो बहुत अच्छी तरह से उसे भी भूनना है, ताकि भूनने से उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ मैं, और थोड़ा सा ना खसखस देने से इसका जो टेस्ट आता है ना, तो ये मेरा जो बेटा है ना प्रत्यय, उसे बहुत पसंद है। जब भी मैं बनाती हूँ तो थोड़ा सा खसखस डालना ही है मुझे, और खसखस उसे बहुत पसंद है, इसीलिए ना मैं थोड़ा सा खसखस डालती हूँ। और आप भी एक बार ट्राई करके देखो, आपको भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। और इसे मैं अच्छी तरह से भून लिया था, अभी मैं दे रही हूँ पानी, और थोड़ा सा पानी मुझे ऐड करनी है। और मेरा ना ये हो चुका था, और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, और जो कि मैं मिलाती हूँ ताकि इसका स्वाद ना और भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। और हम जब भी बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा ऐड करते हैं लास्ट में। तो मेरा ये बन के रेडी था, और खाना जब बन जाते हैं ना, तो तुरंत ही मैं सब क्लीन कर लेती हूँ किचन को। और अभी प्रांतिका भी आ गई थी, और थोड़ा सा रेस्ट लेके उसके बाद वो खाना खाएगी। और घर के सबको ना खाना हो चुका था, और मैंने प्रांतिका को भी खाना दे दिया था, और उसे ना दही बहुत पसंद है, तो मैं उसे दही भी दे दिया था, और वो खाने लगी है। और अभी प्रत्यय रेडी होके जा रहा है डेंटिस्ट के पास। हाय फ्रेंड्स, अभी शाम के 7:30 हो रहा था, और मैं चली आई हूँ आपसे थोड़ा सा बातें करने।
और बच्चे को शाम का जो टिफ़िन होता है ना वो टिफ़िन देके भी मैं आ गई हूँ। और हमारा सबका ना चाय पीना हो चुका था। और आज तो प्रांतिका का स्कूल रीओपन हुआ था लेकिन कल से फिर से बंद है। और कब खुलेगा वो तो व्हाट्सएप पे मैसेज दे देगा, तो अभी देखते हैं कब स्कूल चालू होता है। और ऑनलाइन में तो क्लास होता ही रहेगा। और आज प्रांतिका जब 3:30 बजे आए थे ना, तो प्रत्यय को ना डॉक्टर के पास लेके गए थे उसके पापा 3:30 बजे। और सुबह ना उसका नाम एंट्री करके आए थे और 3:30 बजे का समय दिया था, तो लेके गए थे। कल रात से ना उसका बहुत दांत में दर्द था और डॉक्टर ने आज वो दांत को निकाल ही दिया। मैंने सोचा था कि कोई दवाई देगा लेकिन नहीं, तो वो निकाल ही दिया। और दांत में ना कीड़ा था, और बहुत दांत में उसका कीड़ा है। इतना चॉकलेट खाते हैं ना, पूछो ही मत, मना करने से भी नहीं सुनता है बात। तो ऐसा कोई रेमेडी मुझे आता भी नहीं है, क्या जब उसका दर्द हो क्या दे। तो आज दांत तो निकाल ही दिया है और दवाई भी दे दिया है, अभी ठीक है। और जब निकाल के आए ना घर में, तो बहुत रोता रोता हुआ बच्चा, ऐसे रोता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो अभी ठीक है, अभी टीवी देख रहा है वो। अभी तो आपसे बातें होती ही रहेंगे। और मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी फ्रेंड बन जाए। तो फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।